हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं 25x32 की हैवी ड्यूटी मशीन। इसकी पूरा इसका प्रॉपर पैकेजिंग कैसे आती है, उसकी यूजिंग कैसे होगा, इसको यूज कैसे करना है, ये हम प्रॉपर इस वीडियो में कवर कर देंगे विद इन 5 मिनट्स। थैंक यू। तो व्यूअर्स देखिए, इस तरीके से इसकी चारों तरफ से वुडन बॉक्स में पैकेजिंग रहती है। पैकेजिंग बहुत सॉलिड है, एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से इसकी पैकेजिंग रहती है। आप देख सकते हैं पायलट पीस में लगा हुआ है, चारों तरफ से ये जो है पूरा नेल्स के थ्रू सील्ड है। अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको प्रॉपरली उसके हथौड़े के साथ इसको खोलना पड़ेगा। तो व्यूअर्स, अब हमारी मशीन हो गई है कंप्लीटली असेंबल। अब हम चलते हैं, आपको इसकी वर्किंग में आपको बता देता हूं जल्दी। आप थोड़ा सा कैमरे को पास ले आइए, उससे आपको पता लग जाएगा मशीन कितनी बड़ी है और इसके अंदर कितना अच्छे से काम हो सकता है। तो आप देखे उसको, इसके अंदर है ना 4 mm की वायर है। वायर बहुत हैवी है, अगर आप इसको यूज करेंगे तो MCB कनेक्शन के अंदर आपको इसको यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगी। तो आप जब भी यूज कर रहे हैं तो काफी हैवी कनेक्शन आपको इसके लिए चाहिए। और आपका अगर आप इसी वेरिएंट में इतने बड़े बेड के अंदर आप किसी भी ऑटोमेटिक मशीन में जाते हैं, वो वाली मशीन की जो कॉस्टिंग आती है वो 1.5 लाख से 2 लाख के अंदर आती है। बट ये वाली मशीन उनसे बहुत ज्यादा सस्ती है, ये वाली आपकी अंडर 50,000 ही कवर हो जाएगी। तो इसीलिए इस मशीन का इतनी ज्यादा इसकी डिमांड रहती है। इसका जो बेड साइज है 25x32 inches का बेड साइज है, 25 लाइक दिस एंड 32 लाइक दिस। तो एक बार हम मीटर की तरफ आप करो, मैं आपको बताता हूं उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या चीजें। आप देख सकते हो इसमें डुअल मीटर है, ये वाला मीटर अलग है, वाला मीटर अलग है। आप दोनों मीटर को इंडिविजुअली यूज कर सकते हो। आप चाहो तो एक बार ये वाला बेड का एक साइड यूज करो एक मीटर के साथ, आप चाहो तो आपको बड़ा प्रिंट करना है तो आप दोनों मीटर को एक साथ यूज भी कर सकते हो। दोनों के टाइमर अलग हैं, दोनों के टेम्परेचर अलग हैं, हम दोनों को अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं। आप देख सकते हो दोनों के टाइमर, क्योंकि हमारा बेड बंद है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया उसका टाइमर, और इसका भी जैसे ही दोनों का पूरा होगा बीप करना शुरू कर देगा, और जैसे ही आप इसको पिकअप करोगे आपका बंद हो जाएगा। तो अगर आपने छोटा प्रोडक्ट भी करना है जो आपका 25x32 वाला बेड को नहीं यूज करना, तो आप चाहो तो एक बार एक बेड को ही यूज कर लो, दूसरे बारी में दूसरे बेड को यूज कर लो। फिर आपको मैं एक बार और ये चीज बता देता हूं कि इसके अंदर दोनों के अपने टेम्परेचर प्रेशर सेट करने के नॉब्स अलग अलग हैं, जिसको आप रोटेट करके प्रेशर भी सेट कर सकते हो। अगेन टेम्परेचर सेट करना वेरी इजीली डिक्रीज, और उसके बटन है, आप कंटिन्यूअसली प्रेस रखोगे तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, आप कंप्लीटली उसको प्रेस रखोगे तो कंटिन्यूअसली घटेगा। दोनों के अंदर टेम्परेचर का सेट करने का चीज बहुत इजी है, बहुत नॉमिनल है। एक पीस प्रिंट करके जल्दी से देखते हैं। तो व्यूअर्स अभी हम एक काम करेंगे, दोनों ही बेड को यूज करेंगे इवनली, ताकि हमें पता लग जाए कि मशीन कितने अच्छे से काम कर रही है, हमें दोनों के अंदर इतनी यूनिफॉर्मिटी है कि हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपने टी शर्ट को इसके अंदर प्लेस करना है, बेड के अंदर जगह बहुत है ताकि आप इजिली अपना काम कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ये हमारा प्रिंटआउट है, सब्लिमेशन प्रिंटआउट है, हम टी शर्ट पे ही कर रहे हैं। टी शर्ट के ऊपर करना बहुत आसान है, टेफ्लॉन शीट ऑलरेडी इसमें लगी हुई है, आप चाहें तो प्रोटेक्शन के लिए एक और यूज कर सकते हैं डिजाइन की सेफ्टी के लिए। एंड आपने प्रेस करना है एंड विद इन 30 सेकेंड्स ये हमारे दोनों टाइमर एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों ही टाइमर ऑन थे आप देखो, और 200 डिग्री सेल्सियस पे हमने टाइमर सेट करा था, उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। दोनों टाइमर आपकी इवनली चलेंगे, जैसे ही 30 सेकेंड ओवर होंगे दोनों भी बच जाएंगे। आप चाहो तो ये वाला काम एक बेड पे भी कर सकते हो, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बहुत कम होगी। अभी हमारे दोनों मीटर चल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑब्वियसली ज्यादा है। अब देखिए प्रिंटिंग हो गई है। एंड व्यूअर्स, फॉर मोर सच ट्रेनिंग वीडियोज फॉर हीट प्रेस एंड सब्लिमेशन मशीन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।